Redmi Note 5 Pro के लिए एक MIUI SR ROM का एक बिल्ड आया हुआ है, जिसके अंदर कस्टमाइजेशन आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक ASP ROM की तरह देखने को मिलते हैं पूरे कस्टमाइजेशन इसके अंदर में। और यहाँ पे जो है आपको ये MIUI 13 के साथ देखने को मिल जाता है। और एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन आपको 12 देखने के इसके अंदर में मिलने वाला है। और इसका जो मोनेट है यानी कि एसेंट कलर की अगर हम बात करें, जो इसका वॉलपेपर बेस जो कलर है वो आपको ज़्यादातर जगह MIUI पे भी देखने को इसके अंदर में मिल जाता है। बाकी कुछ बग एंड फीचर की बात करें तो सब के बारे में भी मैं आपको बाकी वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और इंस्टॉलेशन बिल्कुल वही नॉर्मल रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम सबसे पहले इसके माई डिवाइस में चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MIUI SR वर्जन स्कारलेट देखने को मिलता है। और प्रोसेसर जो दिया गया है उसको सिंपली इग्नोर करना, बाकी MIUI का जो अबाउट यहाँ पे MIUI SR का मिल जाएगा। ऑल स्पेक्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे ये नॉन OC ओवरक्लॉक नहीं आता है। बाकी आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है 12 है, एंड सिक्योरिटी पैच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जून की। और वर्जन भी MIUI 13.0.1 स्टेबल पे बेस्ड मिल जाता है। बाकी इसका जो कर्नल है एक्सटेंडेड कर्नल मिल जाता है, ओल्ड कैम है, वर्जन 87 देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो एसेंट कलर है आप देखोगे तो काफ़ी जगह अप्लाई देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में, यानी कि इसका जो वॉलपेपर बेस्ड कलर है मोनेट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो MIUI पे भी काफ़ी जगह ये अब कलर जो है अप्लाई हो जाता है। गूगल के ऐप पे तो है ही, MIUI वाले पे भी देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम पैनल पे भी आप इनेबल कर सकते हो, साथ साथ इसका जो कंट्रोल सेंटर है उस पर भी इनेबल कर पाओगे, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब हम यहाँ पे इसके देखें सर्च बार, और मेन हम स्टार्ट करते हैं इसका MIUI SR का जो कस्टमाइजेशन है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके सेटिंग्स मिलती है MIUI 13 का, जैसे कि अभी इनेबल कर रखा हो तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हो। MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर है, अगर आप यहाँ पे न्यू MIUI 13 का इनेबल करना चाहो, न्यू लेआउट MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर, तो इस पर आपको सिंपली टैप करना होगा। हाँ, ये है कि इसके जो भी सेटिंग्स आप इनेबल करोगे तो इस तरीके से सिस्टम जो UI है हर बार आपका स्टार्ट होगा, यहाँ पे रिस्टार्ट होता है सिस्टम UI, तो इसलिए उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बेस्ट ना हो, इसलिए ये सब जब भी रिस्टार्ट होगा उस जगह मैं वीडियो थोड़ी कट कर दूंगा ताकि जल्दी जल्दी आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हो न्यू लेआउट कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसके अंदर एक चीज़ दिक्कत भी मुझे देखने को मिली है, ऑटोमेटिक जो है हट भी जाता है इसके अंदर, बाद में फिर काफ़ी टाइम तक अप्लाई भी नहीं होता। वैसे अगर हम बात करें MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर का यहाँ पे दिया गया मोनेट का, तो इसको अगर हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब जो है यहाँ पे मोनेट आपको इस पे भी देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से वॉल्यूम पे भी आप चाहो तो इनेबल कर पाओगे, वॉल्यूम पे भी जैसे कि इनेबल कर दिया, अब वॉल्यूम दिखाऊंगा तो वॉल्यूम पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा मोनेट कलर। तो इस तरीके से आप जो है काफ़ी जगह इनेबल कर पाओगे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट प्लेयर मिल जाएगा, स्मार्ट हब भी है, स्मार्ट जैसे कि होम मिल जाएगा, नीचे फिर टाइल्स मिल जाता है। हालांकि ये जो टाइल दिया गया ये ओल्ड वाले के लिए है, आपका जो ओल्ड कंट्रोल सेंटर है उस पर आपका ये अप्लाई होने वाला है। फिर न्यू वाले के लिए आपको नीचे मिल जाता है जिसमें ये दिया भी गया है, MIUI 13 के लिए है ये बिग टाइल्स का पेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाओगे, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि एक एक ऑप्शन मैं नहीं दिखा सकता। तो इसको जैसे ही हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस, और यहाँ पर आप देखोगे तो इस पर कलर भी हल्का सा यहाँ पर चेंज हो चुका है, जो कि हमारा डाटा इनेबल का है। उसी तरीके से आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो, उन सभी पे आप अपने हिसाब से कलर या फिर ब्लर लेवल हो, एक कॉर्नर हो, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट, रेडियस जो कॉर्नर होता है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। उसी तरीके से टॉगल्स के लिए भी दिया गया, और ब्राइटनेस के लिए भी मिल जाता है, तो ब्राइटनेस पर भी आप जो है कलर अपने हिसाब से रख सकते हो, उसका भी रेडियस कितना रखना चाहो वो भी सब भी सिलेक्ट कर पाओगे, ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसी तरीके से होम सेटिंग्स के लिए मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपका होम स्क्रीन का जो हेडर है किस तरीके का चाहिए वो आप सेलेक्ट कर पाओगे। और जो सर्च बार है होम सेटिंग्स में, जो सेटिंग्स का मेन सेटिंग्स आपको मिल जाता है उस पर आप सर्च बार ऊपर देखते हो ये वाला, तो इसका भी आप जो है मोनेट इनेबल कर रखें जैसे कि, तो मोनेट बेस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के कुछ कस्टमाइजेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। डिसेबल कर सकते हो MI अकाउंट को जो टॉप पे देखने को मिलता है, बाकी VPN इनेबल कर पाओगे इसके अंदर में। एंड वॉल्यूम पैनल मोड में जाओगे तो यहाँ पर iOS स्टाइल में वॉल्यूम पैनल आप इनेबल कर पाओगे, जो कि आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है iOS वाला है, और ASP ROM वाला करना चाहो जैसे कि हमें कस्टम ROM में देखने को मिलता है, तो उस तरीके का भी आप इनेबल कर पाओगे जैसे कि आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो है ये इनेबल हो जाता है यहाँ पे, तो इस तरीके का भी आप यहाँ पे इनेबल कर पाओगे, और ये जो है वॉल्यूम पैनल आपका इनेबल हो जाता है, लेकिन जब भी आप ऑन ऑफ करोगे तो इसका सिस्टम या एक बार रिस्टार्ट होता है। बाकी पावर मेन्यू के अंदर अब यहीं पे जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताते कि इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है कभी कभार क्या होता है कि अप्लाई नहीं होता है, सिस्टम UI कितनी बार रिस्टार्ट कर लो या फ़ोन ही रिस्टार्ट कर दो तो अप्लाई नहीं होता, तो ये एक दिक्कत यहाँ पर मुझे देखने को मिला है कि इसका जो पावर मेन्यू है
इसके अंदर भी यही चीज़ है, जैसे कि हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट करते हैं कोई सभी, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा, जबकि न्यू वाला भी बाय डिफॉल्ट इनेबल है, बट यहाँ पे देखोगे तो ओल्ड वाला शो कर रहा है, न्यू शो ही नहीं कर रहा है। और जो यहाँ पे ओल्ड पावर मेन्यू दिया गया, अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टाइल मिल जाते हैं, इनमें भी अगर हम चेंज करेंगे तो भी जो है ये चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी अभी स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर ये एक दिक्कत है यहाँ पर कि कभी कभार ऑटोमेटिक जो कंट्रोल सेंटर भी सेट है MIUI 13 वाला ऑटोमेटिक ओल्ड वाला हो जाता है, फिर काफ़ी सेट ही नहीं होता, काफ़ी ट्राई करा तो ये दिक्कत एक थोड़ी सी मुझे इसके अंदर लगी है यहाँ पर, जबकि फ़ोन रिस्टार्ट कर ले फिर भी जो है सेट नहीं हो रहा था, जो सेट हो चुका है डिफॉल्ट अपने आप ही तो वही सेट हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। बाकी स्टेटस बार में जाओगे तो स्टेटस बार का भी थोड़े से दो लेआउट यानी कि आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी आप चेंज कर पाओगे, दो लेआउट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी फिर स्टेटस बार आइकन स्टाइल कैसा रखना है या फिर सिग्नल डाटा टेक्स्ट हो गया, तो ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे स्टेटस बार मोड के अंदर में, जो कि ये कुछ ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है ऑप्शंस आपको इसके अंदर में मिलने वाले हैं, ओल्ड स्टाइल डाटा टाइल वो भी आप चाहो तो इनेबल कर पाओगे, तो ये सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब कंट्रोल सेंटर ही देख सकते हो, ओल्ड वाला ऑटोमेटिक अब सेट हो चुका है इसके अंदर, बाकी यहाँ पे ओल्ड स्टाइल डाटा टाइप भी ये सब आपको मिल जाता है। एंड नोटिफिकेशन मोड भी देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में भी आप देखोगे तो iOS स्टाइल का जो लॉक स्क्रीन है वो अगर हम इनेबल करना चाहें तो वो भी आप इनेबल कर सकते हो इसके अंदर में। तो इसमें भी सिस्टम UI स्टार्ट होता है, यहाँ पे सिर्फ मुझे जो है सिर्फ यहाँ इसका जो क्लॉक था वही चेंज देखने को मिला, बाकी कस्टम नोटिफिकेशन टेक्स्ट कलर आप सेट कर पाओगे, और यहाँ पे भी जो है डिसेबल नोटिफिकेशन कलर आइकन ये सब आपको मिल जाता है। इन कॉल जो UI मोड है यानी कि कॉल ऑल आता है उसका जो अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर पाओगे, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए कॉल के टाइम वो भी सेट कर पाओगे, और जो कॉल UI है आपको ग्लोबल वाला इन कॉल कैसा रखना है या फिर UI डायलर जो है वो आपको ग्लोबल वाला करना है तो वो भी आप इनेबल यहाँ से कर पाओगे। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड चार्जिंग का जो यहाँ पे कलर दिया गया है तो यहाँ पे आप जो है चार्जिंग एनिमेशन जो यहाँ पे दिया गया है तो आप चूज़ कर सकते हो कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे ग्लोबल जो एनिमेशन टाइप है वो भी आप सेलेक्ट कर पाओगे, साथ ही साथ एनिमेशन में मिडिल सेंटर में हो गया या फिर शॉर्ट में या कलर टैग एंड का हो गया कलर, इस तरीके का जो कलर है वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे एनिमेशन का। उसी तरीके से वेब वाला जो एनिमेशन आता है उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से आप सेट कर पाओगे, इतने परसेंट पे कौन सा कलर होना चाहिए, इतने पे कौन सा होना चाहिए, इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो है आपके एनिमेशन के लिए, चार्जिंग एनिमेशन के लिए, जिन पे आप अपने हिसाब से कलर लगा पाओगे। और मिशलियनस के अंदर हमें स्क्रॉल एनिमेशन है, थीम्ड ऐप सर्वर मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे सर्वर आप चूज़ कर पाओगे, यहाँ पे इंडिया का चाहिए फिर ग्लोबल या फिर इंडोनेशिया या फिर चाइनीज़ वाला, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे थीम स्टोर भी चूज़ कर पाओगे, जो कि ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करे। जैसे कि मैं अभी इंडिया वाला यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ तो आपको थीम पे जाके दिखा दूँ कि पूरी तरीके से इंग्लिश है, यहाँ पे कोई भी चाइनीज़ देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपने हिसाब से थीम स्टोर का भी सर्वर आप चेंज कर पाओगे। उसके नीचे जेस्चर एनीवेयर देखने को मिल जाता है, और नीचे फिर आपका गूगल अनलिमिटेड फोटो का भी ऑप्शन दिया गया इसके अंदर में, साथ ही साथ हायर FPS भी आप इनेबल कर पाओगे इसके अंदर, जो कि ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और यहीं पे आपको हायर रेजोल्यूशन स्ट्रीम के लिए भी मिल जाता है, बाकी सिक्योर ऐप स्क्रीनशॉट यानी कि स्क्रीनशॉट आप किसी भी सिक्योर ऐप पे भी ले सकते हो इसके थ्रू, और रिप्लेस कर सकते हो स्क्रीन टाइम, जैसे कि अभी डिजिटल वेबिंग इसके अंदर इसको ऑफ कर दोगे तो स्क्रीन टाइम देखने को मिलेगा आपको सेटिंग्स में। बाकी वाइब्रेशन ऑन सक्सेसफुली अनलॉक ये सब आपको मिल जाएगा, DPI सेट कर पाओगे, और राउंडेड कॉर्नर हो गया या फिर पिक्चर इन पिक्चर का साइज़ जो है फॉर वीडियो के लिए प्लेबैक, तो इसका भी आप जो है यहाँ पे सेट कर पाओगे। ये पूरी कस्टमाइजेशन है जो कि इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, जो कि है तो काफ़ी अच्छी। बाकी फिर अगर हम कनेक्शन एंड शेयरिंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो कास्ट है काफ़ी ट्राई किया बट कनेक्ट एक भी बार नहीं हुआ, हालांकि कोई एरर ऐसा कुछ भी नहीं आया, बाकी कनेक्ट नहीं हुआ। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर अगर आप वॉलपेपर में जाओगे तो ये फिलहाल आपको पूरा नॉर्मल हुए देखने को मिलेगा MIUI 13 का ही वॉलपेपर, कुछ कुछ चाइनीज़ भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे भी आपको मस्ट है जो वॉलपेपर दिया गया, इसमें भी कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं कुछ वॉलपेपर्स। बाकी फिर MI वॉलपेपर्स मिल जाता है, एंड गैलरी के थ्रू भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और जो थीम स्टोर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि थीम स्टोर जैसे कि आपको बताया इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और थीम स्टोर तो अपने हिसाब से सर्वर चूज कर पाओगे, ये ऑप्शंस भी आपको देखने को इसके अंदर में मिल जाता है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मिलता है जो कि काम नहीं करेगा, लेकिन लॉक स्क्रीन हमारा जो है टैप टू वैक इसका भी एक प्रॉब्लम देखने को इसके अंदर मुझे मिला है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे टैप जैसे करते हैं तो आप देख सकते हो नहीं होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टैप करने के बाद एक बार काम करता है, तो ये चीज़ देखने को इसके अंदर मिला है। काफ़ी ज़्यादा जैसे कि मैं टैप करूँगा तो एक तरीके से सिस्टम UI जो है इसकी एक बार रिस्टार्ट होती है, जैसे कि आप देखोगे तो सिस्टम UI थोड़ी सी यहाँ पे रिस्टार्ट है, और ऑटोमेटिक भी सिस्टम UI इसके अंदर रिस्टार्ट होती रहती है, तो हो सके तो इसके अंदर कर्नल आप चेंज कर लेना। फिलहाल ये एक करूँगा, हालाँकि आप फिंगरप्रिंट पे टैप करके वैक कर सकते हो डिवाइस को, उस पर हो जाता है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले पे चलते हैं तो इसके अंदर रीडिंग मोड हमारा काम कर रहा है,
इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला, ना ही इसके कलर स्कीम के अंदर में। एंटी फ्लिकर हमारे काम का नहीं, रिफ्रेश रेट भी नहीं, और AI के भी जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं ये भी हमारे किसी काम के नहीं, हमारे में काम नहीं करने वाले हैं। फिलहाल इनको हम इग्नोर करते हैं। और फिर यहाँ पे रेडियस एनिमेशन मिल जाएगा, और रोटेशन भी काम कर रहा है, और फिर नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा। हालांकि हम साउंड के अंदर चलते, इसको अभी नहीं दिखाया, तो साउंड की अगर बात करें तो साउंड के अंदर आपको कुछ इस तरीके सेटिंग्स मिल जाती है, जिसमें एडिशनल सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, और जो यहाँ पे प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे जो हमारा साउंड इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट तो काम नहीं करता है, हालांकि इसका बग आपको यहाँ पे मिलेगा, ये काम नहीं करता है। बाकी फिर नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल आपको मिलेगा ओल्ड एंड न्यू के लिए सिर्फ, और नीचे फिर लॉक स्क्रीन के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जिनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो इसके अंदर। एंड स्टेटस बार मिल जाएगा कनेक्शन स्पीड इनेबल करने के लिए, और हाइड नॉच भी दिया गया है, और साथ साथ नॉच इन इंडिविजुअल ऐप भी देखने को मिल जाता है, बट उस पर जैसे कि बैक हो जा रहा है तो ये यहाँ पे है। बाकी तो यहाँ पे आप एडजस्ट नॉच सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है, हालांकि हमारे में नॉच है नहीं, तो हमारे किसी काम का वो है नहीं। बाकी फिर यहाँ पे हम होम स्क्रीन में जाते हैं, तो होम स्क्रीन के अंदर सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है। हालांकि इस रोम के अंदर में आपको एनिमेशन लैग जरूर देखने को मिल जाता है। हाँ, एनिमेशन लैग थोड़ा बहुत आपको दिक्कत ज़रूर देगा इसके अंदर में, क्योंकि थोड़ा सा डिले उले ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है। यहाँ पे टैप करोगे तो आपका स्विच होने में टाइम लेता ही है, बाकी एनिमेशन में भी थोड़े बहुत आपको लैग यहाँ पे मिल जाता है। एंड्रॉइड 12 है अभी ज़्यादा, उतना नोट 5 प्रो के लिए जैसे कि बताया उतना ज़्यादा अच्छा अभी फिलहाल MIUI नहीं है SP के मुकाबले। SP तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन MIUI में अभी उतना अच्छा हमें नहीं मिलता, यहाँ पे एनिमेशन लैग्स भी है। बाकी फिर यहाँ पे आप जो है सर्च बार आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर में, जैसे कि दिया गया है तो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। एनिमेशन स्पीड भी दिया गया है तो उसको भी कंट्रोल कर पाओगे। इनेबल डॉक मिल जाएगा, फोल्डर ब्लर हो गया जो कि अभी सभी में अगर देखोगे तो इस तरीके से लेटेस्ट हमें मिलता है, उस तरीके से यहाँ पे भी मिल जाता है। डबल टैप टू लॉक स्क्रीन मिल जाएगा, एंड नीचे में ग्लोबल एनिमेशन ये सब मिल जाएगा। अरेंज आइटम इन रीसेंट दिया गया है, डिसेबल वॉलपेपर, जूम इफेक्ट ये सब भी दिया गया। और अरेंज आइटम इन रीसेंट में जाओगे तो यहाँ पे एनिमेशंस मिल जाते हैं जो कि IS वाला कर पाओगे, या फिर पोर्ट्रेट मोड में आपका साइज़ कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएगी। रीसेंट का जो कॉर्नर रेडियस है कितना होना चाहिए, फिर हाइड स्टेटस पर करना चाहो रीसेंट पे तो हाइड हो जाएगा। हाइड ऐप नेम भी कर पाओगे, साथ साथ हाइड न्यू विजेट्स भी कर पाओगे, तो ये सब चीज़ें मिल जाती विजेट्स के जो नेम होते हैं। एंड फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ही बग रहने वाला है, स्टार्टिंग में जैसा था वही बग अभी भी मिलता है हमें एंड्रॉइड 12 में। यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक हमारा काम नहीं करता है, तो ये बग अभी भी है। वहीं सिक्योरिटी आपको ये भी पहले की तरह मिल जाती जैसे कि बाकियों में देखने को मिलता था हमें, वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और फिर हमें यहाँ पे मिलता है प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन जो कि लेटेस्ट है, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी बैकअप अभी भी आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती इसके अंदर में, थोड़ी बहुत ड्रेनिंग भी देखने को मिलती है, तो बैटरी फिलहाल अभी तो आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे जो बूस्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है तो फिलहाल हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी ये। बाकी इसके अंदर आपको ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। और फिर यहाँ पे बैटरी का है, और बैटरी ऑलरेडी बता दिया। ऐप्स की बात करें तो ऐप लॉक पे जरूर आप पैटर्न यूज़ कर पाओगे। बाकी एडिशनल सेटिंग्स की तरह आपका जो लैंग्वेज है इसके अंदर में वो आपको एक तरीके से ग्लोबल लैंग्वेज जैसे कि देखने को मिलती है, ग्लोबल वाले में जैसे कि ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज अवेलेबल होती हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको लैंग्वेज मिल जाती हैं काफ़ी सारी। और रीजन भी आप चेंज कर पाओगे यहाँ पे। LED लाइट भी हमारी वैसे काम करती है। मेमोरी एक्सटेंशन में जैसे कि 1 GB तक का देखने को इसके अंदर हमें मिलता है यहाँ पे, ये कुछ ऑप्शन है। बाकी हमारा डिजिटल वेलबिंग मिल जाता है, और इसको चाहो तो स्क्रीन टाइम पे भी आप रिप्लेस कर पाओगे, दिया गया जैसे कि सेटिंग्स में इसके। बाकी स्पेशल फीचर है जिसमें आपको साइड बार देखने को मिल जाएगा, साइड बार आप यहां से यूज कर पाओगे। गेम टर्बो है, और क्विक रिप्लाई भी यहीं पे मिल जाएगा, फ्लोटिंग विंडो भी यहां पे मिल जाता है, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहां पे मिलने वाले हैं। हालांकि फ्रंट कैमरा इफेक्ट जो है हमारे काम का नहीं, एज कंट्रोल हमारे काम का नहीं है। एंड साइड यहां पे साइड बार की जो सेटिंग्स मिल जाती है स्लाइडर की दिया गया है, जो कि ये भी पूरा आपका खाली रहने वाला है। यहाँ पे किड स्पेस भी हमारे काम का नहीं, MIUI लैब है, और लाइट मोड है, हार्ट रेट वैसे इसके अंदर जो दिया गया है ये काम करता है। आप फ्लैश लाइट पे इसके आपको फिंगर रखनी है, उसके बाद ये मेजरिंग स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही आप हटाओगे ये स्टॉप भी हो जाता है, तो ये वैसे आपका काम कर रहा है यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे फ्लैश लाइट पे रखोगे ये वापस स्टार्ट हो जाएगा, और हटाते ही ये आपका वापस से पॉज हो जाता है, और रिजल्ट भी दे देता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी फिर ये मिल जाता है पॉपअप ट्रिगर, जो कि हमारे फ़ोन में तो कहीं से निकलने नहीं वाला है ही नहीं। एंड यहाँ पे आप पर बाहर फिर अकाउंट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो सब आपको मिल जाती हैं। वैसे अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो इसमें भी स्लाइड कर तो हल्के फुल्के लैग मिल जाते हैं। लेटेस्ट वैसे विजेट्स भी आप देखोगे तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे, बस जैसे कि आप देख ही सकते हो लैंग्वेज चाइनीज़ में कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कंट्रोल सेंटर आप देख ही सकते हो ओल्ड वाला वापस हो गया, जबकि सेटिंग्स से इनेबल है अभी भी लेटेस्ट वाला, तो ये प्रॉब्लम था जो कि मैं आपको बता रहा था, तो ये वापस जो है ओल्ड हो गया अपने आप ही, ये यहाँ पे था।
बाकी तो वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट साथ में काम करते ही है। इसके अंदर कुछ टॉगल्स भी मिल जाते हैं जैसे कि वायर्ड पार्ट्स के या पेस इन्फो, ये सब आपको मिल जाएगा तो अलग से आप चाहो तो इनेबल यहाँ से कर पाओगे। वैसे अगर हम चलते हैं इसके वायर्ड पार्ट्स की तरफ, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे बाकियों में मिलता था उसी तरीके से आपको वायर्ड पार्ट्स यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। हालाँकि इसके अंदर जो है मैं डायरेक्ट साउंड चेक कर रहा था तो मेरा यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, तो कमेंट करके आप बताना, करके आप में से कोई अगर ट्राई करता है काम करता है तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। फिलहाल मेरा यहाँ पर काम नहीं कर रहा था डायरेक्ट साउंड चेक किया तो। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग भी थोड़ी सी आपको डिले ज़रूर मिल जाती है और हल्के फुल्के एनिमेशन लैग के साथ ओपन होता है। तो ये चीज़ आपको मिलने वाला बिल्कुल स्मूथ तो नहीं रहने वाला है, यहाँ पे एनिमेशन लैग देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ, जैसे कि प्ले स्टोर अभी जैसे कि ओपन किया, ये जो है बिल्कुल स्मूथ ओपन हुआ, थोड़ा डिले था लेकिन स्मूथ ओपन हुआ। और रिसेंट पर जैसे कि अब जब आ रहा था तो हल्के फुल्के एनिमेशन फिर मिल रहे थे, तो ये चीज़ आपको मिलता है। बाकी रैम मेरा 4GB वाला है, जैसे कि 4GB वेरियंट है तो 1.6GB से 1.7GB तक जो है फ्री देखने को मिल जाता है। कॉलिंग के अंदर में से हमारा यहाँ पे वॉल्टी काम करता है, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, ब्लूटूथ ऑडियो मीडियम कॉलिंग दोनों पे काम करता है, वाईफाई कॉलिंग का बग रहेगा, बाकी कॉल रिकॉर्डिंग भी काम करे इसके अंदर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बिल्कुल फिक्स मिल जाता है। अगर कॉलिंग यहाँ पे ना लगे तो इसकी सेटिंग्स में जा करके सिंपली वाईफाई कॉलिंग को बंद कर देना, तभी आप यूज़ कर पाओगे अगर ना लगे तो। बाकी फिर कैमरा इसके अंदर जैसे कि MIUI 12 वाला देखने को मिलता है, AI तो काम करेगा नहीं हमारे। पोर्ट्रेट मोड इसका भी बग देखने को मिल जाता है। बाकी मोर में जाओगे तो यहाँ पे भी वैसे पैनोरामा मोड आपका फ्रीज हो जाएगा तो उसका भी बग है। और सेटिंग्स में भी अब यहाँ पे आया मोर पे जैसे कि, तो आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हुआ। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में, तो वीडियो आपको 1080 60 FPS तक मिल जाता है जो कि आप इसका यूज़ कर पाओगे। वैसे आपको इसके अंदर वाटरमार्क भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये कुछ बग हैं और कुछ चीज़ें जो कि आपको वर्किंग मिल जाती हैं। तो GCam यूज़ करते हो तो इंस्टॉल कर लेना, GCam काम कर रहा है आपका। और यहाँ पे जो है आपके कुछ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि फाइल मैनेजर के अंदर आपको सबसे पहले मेमोरी कार्ड दिखा दूँ, जैसे कि इसके अंदर मैं लगा रखा हूँ तो मेमोरी कार्ड आप देख सकते हो, मेमोरी कार्ड इसके अंदर हमें बिल्कुल वर्किंग मिल जाती है, यहाँ पर ये जो है काम कर रहा है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और FM की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो FM दिया गया है इसकी परमिशन आपको देनी सिंपली, और उसके बाद आप FM को भी यूज़ कर पाओगे, FM भी इसके अंदर हमें वर्किंग मिल जाता है, FM भी काम कर रहा है। वहीं गैलरी की बात करें तो गैलरी में कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिला, जैसे कि मैं इसके एडिट में जाता हूं तो ये बार बार डाउनलोड करने के लिए बोलता रहता है, और कितनी बार भी आप आओगे सिर्फ डाउनलोड करने के लिए ही बोलेगा, डाउनलोड होता ही नहीं एडिट वाला, आप देखोगे तो ये डाउनलोड ही करने के लिए बोलता रहेगा, तो एक दिक्कत है। बाकी अगर हम सेट एज वॉलपेपर करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक पॉपअप आएगा यहाँ पर, तो इसको सिंपली यस करने की जगह आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे ये वॉलपेपर सेट करने के लिए आ जाएगा और बिल्कुल आराम से यहाँ पे सेट भी हो जाता है, तो दिक्कत आपको इसको सेट करने में फ़िलहाल नहीं आएगी। और ओके गूगल इसके अंदर काम कर रहा है, इसमें दिक्कत मुझे नहीं मिली, काम कर रहा है बिल्कुल वर्किंग रहेगा। म्यूज़िक ऐप आपको मिल ही जाता है इसके अंदर, प्ले स्टोर भी वैसे आपको इसके अंदर में सर्टिफाइड ही मिल जाता है जो कि सेफ्टी नेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट पास आता है, तो बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ यहाँ पे कर पाओगे, सेफ्टी नेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही पास इसके अंदर में मिल जाता है प्ले स्टोर जैसे कि सर्टिफाइड है। और अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं इसके, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्या क्वालिटी है, कैसा FPS मिलता है वो भी दिखा देता हूँ। तो क्वालिटी 100 MBPS तक की है, जो FPS मिलता है वो आपको 90 FPS तक का ऑप्शन देखने के यहाँ पे मिल जाता है। ये कुछ हमें जो है एप्लीकेशन मिल जाता है इसके अंदर में। वहीं अगर हम एंटूडो स्कोर देखें नॉन OCA जैसे कि ये, तो 1,39,431 देखने के यहाँ पर मिला है। वहीं अगर हम CPU थ्रोट रेट देखें तो इसके अंदर जो है हमें यहाँ पर 85% तक जो है देखने के यहाँ पर मिल जाता है। और जो गीगविंच स्कोर है सिंगल पे 274 मिला है, और मल्टी के अंदर में 1239 तक हमें यहाँ पे स्कोर मिल जाता है इसके अंदर। और जो बूट एनिमेशन इसका होने वाला है कुछ इस तरीके से, MIUI SR का बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, और फ़ोन ऑन होते ही कुछ इस तरीके से पॉपअप आता था, काफ़ी लोग डर जाते, तो इसको सिंपली आपको इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अपनी तरफ से एक पॉपअप दे देता है, तो इसको सिंपली आपको इग्नोर कर देना है बस। और यहाँ पे हम गेम टर्बो की बात करें तो गेम टर्बो कुछ इस तरीके से मिल जाता है इसके अंदर में। वॉइस चेंजर दिया गया है जिसका आप यूज़ कर पाओगे, वॉइस चेंजर आपका वर्किंग रहने वाला है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे ग्राफिक की तरफ चलते हैं तो जैसे कि इसके अंदर सेटिंग्स भी आप दिया गया तो इनेबल कर सकते हो हायर FPS को, यानी कि 90 FPS तक का ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है, बट हमारा 60 FPS के हिसाब से चलेगा, 60 FPS ही तक सपोर्टेड हमारा, तो हम यहाँ पे एक्सट्रीम पे खेलते हैं। और इसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप स्टार्टिंग का गेमिंग परफॉर्मेंस देख सकते हो इसके अंदर में किस तरीके से चल रहा है, यानी कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर काफ़ी हद तक ख़राब स्टार्टिंग में देखने को मिला था, लेकिन बाद में जो है 40 FPS प्लस देखने को मिल रहा था, 40 FPS से ऊपर ही देखने को मिल रहा था। लेकिन स्टार्टिंग का आप देख सकते हो, जबकि स्टार्टिंग से मैं सेलेक्ट किया था, कोई भी सेटिंग में छिड़खानी नहीं किया था, तो अगर आपके साथ भी होता है तो आप यहाँ पर देख लेना। आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले कि स्टार्टिंग में मेरे को भी इस तरीके से कुछ मिनट तक हुआ था, आप देख सकते हो FPS किस तरीके से है, 16 17 18 20 इस तरीके से FPS देखने को मिल रहा है,
2013 तक आ जाता है। तो FPS काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे कम देखने को मिल रहा था, लेकिन बाद में बिल्कुल मस्त हो गया था, 40 FPS प्लस देखने को मिल रहा था। नॉन ओसी है और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ठीक लगा था बाद में, लेकिन स्टार्टिंग का मुझे काफ़ी ख़राब लगा, लेकिन बाद में FPS काफ़ी अच्छा हो गया था और काफ़ी अच्छे से चल भी रहा था नॉन ओसी के हिसाब से। हाँ बस यहाँ पे अभी भी मैं डेली के लिए किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता ये रोम अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी आपको एंड्रॉइड 12 में MIUI पे मिलती हैं। तो अगर हो सके तो ASP रोम आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल MIUI के एंड्रॉइड 12 में अभी आपको दिक्कत मिल जाता है, या फिर 11 या 10 आप यूज़ कर सकते हो, वो आप यूज़ कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे फिलहाल काफ़ी दिक्कत मिलेगा। और जैसे कि इसके कस्टमाइजेशन के बारे में भी बताया आपको कि ऑटोमेटिक जो है ये रिप्लेस हो जाता है ओल्ड वाले से, और फिर सेट भी नहीं होता, रिस्टार्ट किया काफ़ी ट्राई करने के बाद भी सेट नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ भी देखने को मुझे इसके अंदर मिले हैं। और कुछ बग और भी आपको फिलहाल डेली यूजर्स पे देखने को मिलेंगे, तो इसलिए फिलहाल मैं अभी किसी को भी रेकमेंड ये डेली लाइफ के लिए नहीं करता हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और हाँ, इसके अंदर अगर आपको ऑटो रिबूटिंग इशू आए भी आए तो उसके लिए भी आप कर्नल इसके अंदर चेंज कर लेना, अगर आप यूज़ कर तो फिर भी यहाँ पे ट्राई अगर करने आते हो ऑटो रिबूट का, अगर इशू आता है तो कर्नल आप चेंज कर लेना, ओल्ड कैम कर्नल जो है इसके अंदर आपको फ्लश करना होगा। बाकी फिर इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।